के बीच में जितना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप होगा उतना जनरेशन गैप बड़ा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिन्नी एंड फैमिली, इस मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ये एक पारिवारिक मूवी है क्योंकि फैमिली जुड़ा हुआ है इसके नाम के साथ में। तो पहले इसका जो बिन्नी का ट्रेलर आया, बिन्नी एंड फैमिली का ट्रेलर आया, तो पहले हम ट्रेलर देखते हैं। Loving your grandparents. I want to call my grandparents. But our whole conversation was just like, Maro lalo kem che, maja ma che. See, they're sweet people. But even if I go chill with them, what the hell am I supposed to talk to them about? Exactly. That's the problem now. Karne do jo karti hai duniya. Where are you? Can you just chill out? Ek ghante mein aa jaungi. I'm not kidding. बाबा दादी यहाँ आ रहे हैं और दो महीने यही रहेंगे, ये तय है। क्या बोले? सर नियम है। नियम अब तुम हमको बताएगा? सर नारा खाए हो रहे हैं। बात करो, चुप मत, काम कीजिए, चलिए। ये सब के साथ मिल के बैठ के खाना चाहिए। कब से टॉयलेट में घुसी हो, बाहर निकलो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझाना कि बिन्नी नीड्स हर ओन स्पेस, ये पॉसिबल नहीं है। बिन्नी घर पर नहीं है जी, क्या सोचेंगे वो? सोचने दीजिए ना, वो जो भी सोचना चाहते हैं। लड़की जात हो, कुछ अनहोनी हो गया तो किसको मुंह दिखाएंगे हम लोग? मनाई तो करते आ रहा आज तक, बाबा को ये अच्छा लगेगा ये करो, बाबा को वो बुरा लगेगा वो मत करो। You are so bloody scared of बाबा कि तुमको कभी कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। I'm not scared of बाबा, बाबा से मुझे डर नहीं लगता है, मैं बाबा का लिहाज करता हूँ। What is लिहाज? जितना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप होगा उतना जनरेशन गैप बड़ा होगा। दिल्ली के म्यूजियम में एक टोपी वाले महापुरुष कौन है जी? भाई डॉक्टर ड्रे हैं। ये डॉक्टर हैं? किस चीज का डॉक्टर है जी? रैपर है, आरो कोई। फैमिली का जो टेलर था ना, फैमिली से जुड़ा हुआ टेलर था। इसमें दिखाया गया कि बिन्नी और बिन्नी के पापा और उनकी मम्मी विदेश में रहते हैं, और बिन्नी उनकी बेटी का नाम होता है, और बिन्नी है कौन ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। बिन्नी है वरुण धवन की भतीजी, जिनका नाम है अंजलि धवन। तो अंजलि धवन इसमें बिन्नी बनी हुई है। मार धाड़ नहीं थी इसमें, एक्शन बिल्कुल नहीं था, बस पारिवारिक ड्रामा है। उसमें दिखाया जाता ना, वो कहते हैं कि तुम्हारे बाबा आ रहे हैं दो महीने के लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिगरेट पीती हैं, वो शराब पीती हैं, वो पूछते हैं कि कितनी देर में आए, कह रही एक घंटे में आ जाएंगे, हम कोई छोटे बच्चे थोड़े नहीं हैं। मतलब मम्मी पापा उनकी इतनी केयर करते क्योंकि वो लोग गुजरात से होते हैं, ऐसा एक ट्रेलर में दिखाया गया। पर ट्रेलर की एक और अच्छी बात है कि लास्ट में वो अपने दादा और दादी को चाहने बहुत लगते हैं। पंकज कपूर कहते हैं कि दो जनरेशन का गैप, क्योंकि उनके पापा फिर उनकी बेटी, तो गैप बहुत बड़ा है, और वो कोशिश करते हैं उन्हें समझाने की। बिन्नी को लगता है कि हमारे पापा हमारे दादाजी से डरते हैं, जबकि वो डरते नहीं, वो कहते हैं हम उनकी इज्जत करते हैं। तो वो बेहोश हो जाती है, उनको हिंदी भाषा बिल्कुल नहीं समझ में आती है, गुजराती तो और भी नहीं आती है। वो गुजरात से जब जा रहे होते हैं ना प्लेन में, तो वो उनको भी डांट देते हैं जो उनको टिकट देते हैं, कहते हैं तुम हमें बताओगे कि हमें कैसे जाना है, पहले पंत होको और अपना काम करो। मतलब बहुत कॉमेडी से गुदगुदाने वाला। ऐसी कई मूवियाँ आई हैं जिसमें बच्चे ग्रैंडफादर पे या मदर फादर पे गुस्सा करते हैं और फिर बाद में एक हो जाते हैं। एक उसमें से एक बागवान है, बागवान हेमा मालिनी के ऊपर उनकी
गुस्सा करती है नातिन, तो फिर बाद में वो उनके पास आ जाएगा। कोई खास स्टोरी नहीं है, पर स्टोरी ये स्टोरी आना बहुत जरूरी था कि बाहर जाते हैं बच्चे तो माँ बाप की इज्जत करते हैं, पर उनके बच्चे ना उनकी इज्जत करते हैं ना दादा दादी की इज्जत करते हैं। ऐसा सब कुछ इसमें दिखाया जाए। आजकल की जनरेशन के लिए शायद ये मूवी बनाई गई है। टेलर बिल्कुल वैसे था कि आजकल के बच्चे किसी की नहीं सुनते हैं, और जब दादा दादी से उनके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं ना तो वो पूछते हैं कि ये महाशय कौन है, तो वो कहते हैं कि ये डॉक्टर है। कहते काहे के डॉक्टर है, कहते मुझे जो कम हो जा रहा है, और फिर सब लोग बहुत हंसते हैं और ऐसे टेलर खत्म हो जाता है। मूवी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इसमें ना सस्पेंस है, ना थ्रिलर है, ना मर्डर मिस्ट्री है, ना एक्शन है, सिर्फ और सिर्फ रोमांस है, प्यार है एक परिवार के बीच, बिन्नी की फैमिली के बीच में। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए बिन्नी एंड फैमिली का टेलर आपको कैसा लगा। हम लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि हम आप लोगों के साथ में नज़दीकी से जुड़ सकें और रिएक्शन वाले रेन को बहुत ऊंचाई पर ले जाए। और ऐसे ही गुदगुदाने वाले टीजर और टेलर के रिएक्शन आप लोगों को दे सकें और आप लोगों के कमेंट पढ़कर हम खुश हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।